आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचुरल स्टेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज विष्णु कांता, लक्ष्मी कांता, अपराजिता, क्लिटोरिया टर्नाटिया सभी इसी बेल के नाम हैं। और ये जो क्लाइंबर आप देख रहे हैं, ये विशेष गुणकारी है। मित्रों, लक्ष्मी कांता संभवतः इसलिए कहते होंगे कि ये सैकड़ों बीमारियों में उपयोग में आता है और हमारी हेल्थ को रिस्टोर करता है और हमारे धन के संचय को बढ़ाता है। इस प्रकार से इसको हम लक्ष्मी कांता या विष्णु कांता पराजिता कहते हैं। शरीर के डिफरेंट सिस्टम्स में अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के रिस्टोरेशन के लिए, इन सब के रेमिडिएशन के लिए, इन सब के रोगों के निराकरण के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। मित्रों, इसके सभी प्लांट पार्ट, इसके सुंदर दिखने वाले पर्पल कलर के फूल, इसके पत्रों का जूस, इसकी ये जो सॉफ्ट, आप इसकी जो स्टेम देख रहे हैं, टेंड्रिल और स्टेम, दोनों औषधीय गुणों के लिए, इसकी रूट सभी उपयोग में आती है। साथियों, अगर नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं तो आप इसकी रूट्स का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कीजिए। 3 ग्राम रूट का डिकॉक्शन आप बनाइए 200 मिलीलीटर पानी के अंदर और उसमें शहद मिलाकर सेवन कीजिए। विभिन्न प्रकार के जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पागलपन, इंसैनिटी की समस्या है, या हॉर्मोन्स के चेंज होने के कारण मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस की समस्या है, को भी ये दूर करता है। इसके सुंदर फूल का अगर आप फांट का सेवन करते हैं तो वो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की समस्या को दूर करते हुए आपके लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके पत्र के जूस का अगर आप सेवन करते हैं तो पेट के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, जो गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस कॉज करते हैं, उनको ये दूर करता है। एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी भी इस प्लांट के सुंदर लीव्स के जूस की होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट का उपयोग आप लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट फैबेसी का मेंबर है। इसके अंदर नंबर ऑफ केमिकल एल्कलॉइड्स कंपाउंड, जिसमें कि एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, फ्लोबेटेनिंस, टैनिंस, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए, एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए, बुखार को उतारने के लिए, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट अमीनोगोक का भी कार्य करता है, फीमेल हार्मोन को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उन सब के रेगुलेशन करते हुए डिसमेनोरिया की, मिनोरहेजिया की, इन सब समस्याओं को दूर करता है। बहुत अच्छा ही अपना प्लांट कार्य करता है। मानसिक उन्माद हो, डिप्रेशन की समस्या हो, एंजाइटी की समस्या हो, उसको भी ये प्लांट दूर करता है। साथियों, इसका सेवन हमें शहद मिलाकर ही करना चाहिए। शहद मिलाकर सेवन करने से इसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। घरों में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइंबर है तो ज़्यादा स्पेस की भी आवश्यकता नहीं है। देखने में बहुत सुंदर फूल हैं, शंख के जैसे इसके फूल हैं, और कुछ लोग इसको शंख पुष्पी कहते हैं। वर्नाकुलरली नेम के कारण तो हम इसको शंख पुष्पी कह सकते हैं, लेकिन अगर टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर ना हो तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसको हम क्लिटोरिया टर्नाटिया के नाम से जानेंगे, वो ज़्यादा उत्तम होगा। मित्रों, जितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं उतने ही सुंदर आपके त्वचा को, कांति को बढ़ाने के लिए काम करता है। एंटी एजिंग इस प्लांट की एक्टिविटी होने के कारण चेहरे के रिंकल्स को कम करने के लिए, मुहासे और पिंपल्स को दूर करने के लिए इस प्लांट के फ्लावर्स का पेस्ट बनाकर अप्लाई कीजिए और बाद में लूकोम वाटर से वाश कर दीजिए। एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है और रिंकल्स को ये आसानी से दूर करता है। कॉस्मेटिकल इंडस्ट्रीज़ में हर्बल कॉस्मेटिक्स इसके फ्लावर्स से तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा फेस के ग्लो को बढ़ाते हुए चेहरे की सुंदरता को निखारने का कार्य करता है। और यह वात, पित्त, कफ तीनों के समन के में कार्य करता है। रूमेटिज्म और आर्थराइटिस की समस्या के निराकरण के लिए इसके सुंदर पत्तों का डिकॉक्शन बनाकर आप सेवन कीजिए और उस डिकॉक्शन में आप शहद मिला लीजिए, बहुत अच्छा ये कार्य करता है। शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी एक प्लान कार्य करता है। इसके जो लीव्स हैं, इसका जूस अगर आप बनाते हैं तो वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और डायबिटीज़ के निराकरण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं।
फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है, लीवर को टॉक्सिन्स को रिमूव करने का ये कार्य करता है। अगर मित्रों यूरोलिथियसिस की समस्या है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हमारे कहीं स्टोन की समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए भी आप इसके सुंदर फूल और कमल पत्र का डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर आप सेवन कीजिए। विभिन्न प्रकार के यूरोलिथियसिस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मैं कहूं कि शरीर के प्रत्येक वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनीज, इन सब के रिस्टोरेशन के लिए, इन सब की टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, इन सब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए चमत्कारी ये प्लांट अपना कार्य करता है। सीड के माध्यम से आप इसको अपने गमलों में लगा सकते हैं, अपनी हेल्थ को आप कंजर्व कर सकते हैं। जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, वो लोग भी औषधीय गुणों से लाभान्वित हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हर रोज़ एक नए प्लांट की जानकारी मिल सके। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।